प्लीज मुझे ये सब पसंद नहीं है। कौन गेट? चश्मा निकाल कर ज्यादा अच्छी लगोगी। पकड़ो। सर आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया आपको इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, एक पत्रकार होने के नाते आप क्या सोचते हैं सर? ये सवाल अकेले में पूछना चाहिए बेवकूफ। सॉरी सर। नेक्स्ट। सर हम लोग हिंदी कला अकादमी से आए हैं सर, आपको पुरस्कृत करने के लिए सर। इन ऑस्कर और पुरस्कार पे मेरा भरोसा नहीं है। नेक्स्ट। सर आपका अगला ऑपरेशन क्या है सर? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड होगा तो डिले नहीं होगा। नेक्स्ट। सर ऐसा ऑपरेशन रिस्की नहीं होता? रिस्क होते ही रिजल्ट होता है सर। वो रुको रुको रुको, बाकी लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, काफी खूबसूरत लोग हैं। हाँ बोलिए। सर आप यूथ को कुछ संदेश देना चाहते हैं? सलाह देना संदेश देना ये टाइम पास वाला काम है, यूथ बिजी तो मैं बिजी। सर आपका ऑपरेशन और कितने दिन तक चलेगा सर? इस समाज से अन्याय निकलने तक और अन्याय करने वालों को जड़ से उखाड़ने तक, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सर ये क्या है सर, रोज बैठे बैठे आप बेकार के सपने देखते रहते हैं, कुछ मेहनत करो ना। कल सपने में केट विंसलेट, भाई रे टाइटेनिक वाली हीरोइन मेरे साथ। ऐसा सपना आया, मैंने कोई मेहनत की थी क्या? 1% भी किस्मत में होगा तो मिलेगा। इडली में मुंबई की चटनी डालने को कहा था, लाया क्या? नहीं सर। पहले तू अपना काम ठीक करना सीख, जब मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होगा तब तुझे बुलाऊंगा। इसलिए सर तेरी बकवास सुनने के लिए। क्या लाया है? चाय लाया हूं सर। अरे डाल। कल क्यों रे, अभी तक गया नहीं तू? एमडी साहब आपका बुला रहे हैं। चाय पीकर आ रहा हूँ, बोल दे। अभिमन्यु सर टाइम क्या हुआ? तुझे कितनी बार बताया उस घड़ी की बैटरी बदलने के लिए, टाइम जानने के लिए हमेशा मुझे ही बुलाया जाता है ना सर? 11:30 सर। घड़ी के बारे में या घड़ी के बैटरी के बारे में पूछने के लिए तुम्हें बुलाया नहीं है यहाँ पर, तुम ऑफिस क्यों लेट आए? जल्दी आकर क्या उखाड़ेंगे सर? आपने ठीक सुना सर, जल्दी आकर आखिर हम क्या उखाड़ेंगे सर? अभिमन्यु तुम्हारे पिताजी मेरे गुरु थे, इस कारण मैं तुम्हारी बातें सहन करते आ रहा हूँ। मुझे कुछ भी कहो लेकिन मेरे चैनल के बारे में कुछ भी मत कहना, ये चैनल ही मेरे लिए सब कुछ है। इतने मुश्किल से ये चैनल चलाकर मैं तुम लोगों को कितना पगार दे रहा हूँ? कितना? सब मिलाकर 5,300, वो तो हमारे घर के कुत्तों को नहीं होता। आपके घर पे कुत्ता कहाँ है? हमारे घर के ओनर के पास है ना, इसी काम के दूसरे चैनल वाले 25,000 दे रहे हैं। तो फिर जाओ ना उधर। नहीं जाऊंगा। क्यों? इंटरव्यू इंग्लिश में लेते हैं। तुम्हारी वजह से सारा स्टाफ बिगड़ रहा है। अगर एक से बनना और बिगड़ना होता तो सारे अमेरिका में बिल गेट्स ही होते और सारी दुनिया में लादेन ही होते। आप ज्यादा मत सोचिए सर, समझने के थोड़ा वक्त लगता है, आप बस देखते रहिए, कभी ना कभी रवि तेजा के नाम का चैनल खोलूंगा, सुबह के सूरज की तरह हमेशा चमकता रहूंगा। कैसा है मेरा एम्बलम? एम्बलम तो ठीक है, पर पैसा कहाँ से लाओगे? कमाऊंगा यहीं से। मुंह बंद कर। आज का मेन्यू क्या है सर? काम करो या ना करो इसके लिए पहले भैया अपना आजमाने, दिल ये बोले आओ चले हम अपनी राहें बनाने, लग अपना आजमाने, आगे बढ़ते चले हम अपनी तकदीर आजमाने, कितनी ही मुश्किल हो हारेंगे ना कभी हम, दुनिया तो तमाशा है हमेशा ना, इसकी बातों पे हम करते कोई भरोसा, दुनिया तो तमाशा करती है हमेशा ना, इसकी बातों पे हम करते कोई भरोसा। बताने चारों दिशाएं ये अब तो हमारी है, जल्दी ये दिल अपना लुटाने, रास्ते कह रहे हैं
हमेशा, न इसकी बातों पे हम करते कोई भरोसा। करती है हमेशा, ना इसकी बातों पे हम करते कोई भरोसा। दुनिया तो तमाशा करती है हमेशा, ना इसकी बातों पे हम करते कोई भरोसा। अरे वर्कआउट नहीं होता है सुभाष सर, आप इंटीरियर में जाएंगे तो बिना रोड वाले घर, बिना पंचायत के गांव, बिना स्कूल वाले गांव बहुत कुछ है सर। वो कवर करेंगे तो हमारे चैनल का नाम होगा सर। नाम से कुछ नहीं होगा, पैसा भी मिलना चाहिए। पैसे के एंगल से सोच के देखो। ओके चलो। ये डिजाइन कैसा है यार? ये डिजाइन तेरे सड़े हुए चेहरे की तरह है। इसको दबाते रहे, मैं साइन मार के आता हूं। हां दबाता हूं। चाय का टाइम हो गया, चाय भी नहीं आई अभी। अरे बाप रे, अबे एमडी आ रहा है। थोड़ी देर भी आराम करने नहीं देगा। आके टपक गया। अरे ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जिंदगी में पहली बार मुझे तुम काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सर कुछ देखेंगे क्या? नहीं बैठो। बताओ तुम्हें मारुति कार चाहिए या होंडा सिटी चाहिए? फ्री में मिलेगा तो दोनों चाहिए। क्या बात है सर, स्टूडियो बेच रहे हैं क्या सर? अभिमन्यु तुम हमेशा ऐसे क्यों बात करते हो? आप सडनली अगर कार की बात करोगे तो क्या होगा सर? वैसे बात क्या है सर? कुछ नहीं, मुझे एक प्रोड्यूसर मिला है। उसने दो हफ्ते में एक फिल्म बनाई है। उस फिल्म को वो 100 दिन चलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो रोज अपने स्टूडियो में एक घंटा आकर लाइव शो करना चाहता है। दो हफ्ते में फिल्म बना दिया? हाँ। 100 दिन चलाएगा? हाँ हाँ। वैसे कौन है ये महान आदमी सर? ए बेटा, फ्यूचर है। हाय, नमस्ते। माय नेम इज प्रकाश, स्क्रीन नेम प्रखी। एमडी जी आपके बारे में बताया है सर? मतलब तुझे नहीं पता? गुड फेलो। फिल्म देखी? फ्री नहीं है सर। टिकट मंगाऊं? फ्री हम नहीं है सर, थिएटर वाले तो ऑलरेडी 1+10 का ऑफर दे रहे हैं। एक टिकट खरीदी और 9 फ्री है। ए भाई क्या बात कर रहे हो, इट्स अ फेल। गुड फेल, तुम मुझे लोफर नजर आ रहे हो। फिल्म बनाना इतना आसान लगता है क्या? सर इसके मुंह मत लगिए सर, इसकी काली जबान से बच के रहिएगा। ए अभिमन्यु चल चल आ भाई सर। थोड़े अच्छे स्टाफ को नहीं रख सकते क्या तुम लोग? रखेंगे सर, आप चलिए। ओके थैंक यू। हाय सर। क्या रे, बैठो बैठो ना, इधर आ। तुझे थोड़ा टाइम है, इंटरव्यू देने के लिए मैं आया हूँ, तू उधर जाके बैठ। रेडी है क्या? स्टार्ट करें क्या? व्हाई नॉट, 1 2 3 क्वाइट साइलेंस। अरे इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं ना? 3 4 गो। सक्सेस का दूसरा नाम, उन्नति का पहला नाम, द यंग टैलेंटेड प्रोड्यूसर प्रकाश जी आज अपने स्टूडियो में आए हैं। आज इनकी डायरेक्ट बजानी है तो सॉरी सर, आज आपको इनकी डायरेक्ट घंटी बजाने का पूरा चांस है, इसलिए डायल कीजिए 0402355333। सर अपनी कामयाबी को आप कैसे एंजॉय करते हैं? अगर कोई बॉलर 100 विकेट लिया है तो 101 विकेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट्स नेचुरल। इसलिए आपको कामयाबी का दूसरा नाम कहते हैं। ऑफ कोर्स, परिश्रम से कभी ना घबराने वाले, इनको कोई नहीं रोक सकता। कौन? सॉरी सर। हेलो। हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? फिल्म देखी क्या? थोड़ा गैप देना है, बोलिए माँ जी। सर आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है।
काफी एक्साइटेड लग रही है। हाँ, हाँ। बोलिए, आपने फिल्म देखी क्या? देखी सर। कितनी बार? दो बार। इस फिल्म की डायरेक्टर आप ही हैं? नहीं, मैं बस सब काम पास में रहकर देखता रहता हूँ। थिएटर में भी इसे अकेले ही देखना होगा। मेरी आंखों से पानी आने लगा। बहुत कनेक्ट हुई लगती है। हाँ सर। ठीक है, फिल्म देखने दोबारा जाएंगे क्या? जाऊंगी सर। अपनी फ्रेंड्स को भी देखने के लिए लेके चले जाना। ओके बाय। ऐसे कॉल्स को अगर हम रिसीव करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी मेहनत को भी भूल जाएंगे। सर, एक छोटा सा सवाल। या। आपको कहानी का बहुत अच्छा जजमेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। आखिर आप किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं? एक डायरेक्टर को चांस देने से पहले उस डायरेक्टर की आप किस तरह परीक्षा लेते हैं? नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टोरी को फील करना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आपकी सारी फिल्में सुपर हिट होती हैं। अरे लेफ्ट कैमरा ऑन करना। अरे बाप रे, इसका ओवर एक्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मेरे बोलने से पहले लाइन कट किया तो घुसेड़ दूंगा। किस लिए, किधर जा रहा है? किस लिए, देखता जा, बस देखता जा, सिर्फ देखता जा। रुक। अरे उठना एक बार। डाइटिंग कर रही हो? क्या बात है, शादी के लिए एकदम रेडी हो रही? जरा उस टेबल में बैठ जाओ, तुम्हारा पति तो तुम्हें देख के पागल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही जल्दी मान गई। वंदना, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। सर के साथ बात करने के लिए आपने कॉल किया? नहीं, आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है ये जानने के लिए। गुड जॉब। सिली फेलो, लगता है बहुत ही एंटरटेनमेंट फील हो रहा है इसको। बात कीजिए। हाँ, क्या बेटा, तुमने फिल्म देखी क्या? नहीं, कभी नहीं देखूंगा। अरे अब तक कितनी फिल्में बनाई तूने? छह। तो फिर इतने सालों से काम कर करके तूने 5 और 6 फिल्में बनाई और ऐसे बात कर रहा है जैसे इंडस्ट्री का बाप है? अच्छा, कहानी के विषय में बहुत केयरफुल रहता है। वैसे भी तेरे सिनेमा में कहानी कहाँ होती है? अरे तेरी फिल्मों के पोस्टर में तो तेरी फोटो लगी रहती है। हाय। देखकर आने वाले भी नहीं आएंगे। हीरो की फोटो लगा, मेरी बात मान, गधे। गधे का बाप है तू। क्या रे, तू प्रोड्यूसर है या एंकर है? कुछ भी बहाने से रोज टीवी पर दिखाई देता है। अरे यार क्या कर रहा है? आइंदा ऐसी बकवास फिल्म निकाल कर बम्पर हिट है, सुपर हिट है बोला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। क्या रे, घूर रहा है, घूर रहा है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ बताओ क्या। उठ वहाँ से। मोस्ट वायलेंट कॉल, हमें चलना चाहिए। सर बस बहुत हो गया। अच्छा काम किया बेटा, वरना तुझे वो लोफर कैसा कहता है। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा? पापा आपको मिस कर रहा हूं। मैं भी बेटा। आ सकते हो ना, एक हफ्ता रुक सकते हो ना? ठीक है, आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। ओके, वॉकिंग ठीक से कर रहे हो ना? रोज सुबह 1 घंटा। दवाई लेना भूलना मत। नहीं भूलूंगा रे। अच्छा ये बताओ, मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? बाप रे, मैं तो कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रही ये सोचता था, ये तो खुद आकर गले लग गई। मेरी माँ तो कहती थी एक घटिया लड़की से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे और कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। चल मैं इंतजार करता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ए जाकर उसे लेकर आ। अब रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जब से आप मुझे जोर से गले लगी तब से आप बिल्कुल सेफ है। तुझे पता है हम कौन है? वैसे भी मुझे कभी किसी पर हाथ उठाने की नौबत नहीं आई, अगर आएगी तो मेरा हाथ मेरी नहीं सुनता। मेरे बॉडी पार्ट्स की इंडिविजुअलिटी ज्यादा है, जिसका काम वही करता जाता है। डिसाइड होना ही काफी है, फिर डिले नहीं होता। लगता है मर गया। अरे मैंने कहा ना सेफ हो, आओ चलो बताता हूँ। इतने जोर से क्यों मारा? नाम क्या है तुम्हारा? ए, वो पीछे से। अरे छोड़ो ना, अपना नाम बताओ। अंजलि। क्या करती हो? जॉब करती हूँ। कौन सा जॉब? एयरटेल में। हाँ एयरटेल में।
कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? What? अरे वही प्यार करना, शादी करना, एंगेजमेंट, ऐसी कोई बात? इतना सीरियस हो रही है मतलब कुछ नहीं है? Why? लगता है लाइफ बनाने वाली भगवान ने भेज दी है। अबे टकले चला गया। इन दिनों अच्छी जोड़ी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। चलो 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 चलते हैं। चल बे निकाल, फोटो निकाल बे। फोटो खींचा क्या? थोड़ा हिल गया भाई। कैसा है रे? बहुत दर्द हो रहा है भाई। तेरे बारे में नहीं, हम दोनों की फोटो। बहुत अच्छा है भाई। अरे फोटो तो मस्त खींचा इस जाड़े ने। क्या फोटो खींचता है यार। शान पट्टी दिखाता है। अच्छा इस गैंग का लीडर तू ही है ना? लौंडिया को इधर कर। गलत है, और तो उसे तमीज से बात करनी चाहिए। महिला समाज को गुस्सा आ जाएगा, उन्हें सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए। वैसे मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तूने तो मेरी किस्मत बदल दी है। क्या है बे, तुम लोग एक एक करके क्यों आते हो? सब एक साथ आओ ना। अबे डर गए बस क्या? चलिए चलिए। टक 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 क्या मटक के चल रही है। अरे अंजलि जी, एजी कॉलोनी आओगे? हाँ बैठिए। मीटर क्यों? सुनिए सुनिए अंजलि जी, आपने नंबर नहीं दिया। मैं नहीं दूंगी। तो मेरा ले लीजिए। किस लिए? ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी मुसीबत से मैंने आपको बचाया है? कोई जरूरत नहीं है। अरे अंजलि जी, तुम क्या देख रहे हो? चलो तुम। अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो अंजलि जी, आजकल तो लड़कियां कमर्शियल हो चुकी है, ये खुशी की बात तो मूर्ति से शेयर करनी पड़ेगी। हाँ बोल बेटा। अंजलि आपकी बहू का नाम कैसा है? अंजलि वेट्स अभिमन्यु। बहुत अच्छा। तो मैं क्या रिश्ता पक्का समझूं? कहाँ देखा, कब मिला? इंट्रोडक्शन हो गया, बस बायोडाटा बाकी है। मान जाएगी? कैसे नहीं मानेगी, मनाऊंगा। आखिर किसका बेटा हूँ? अभिमन्यु, सन ऑफ कृष्णमूर्ति। That's my son. मूर्ति जी गुड नाइट, अब सो जाइए। मेरे बारे में पूछा? पूछो। झूठ मत बोलिए, वो आपको ही पसंद करता है। क्या है, हर बात में उसका साथ देते हो। ऐसे करते रहोगे तो और बिगड़ जाएगा। आओ जी आओ जी, बड़ा आओ जी, आओ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे तू क्यों मुंह लटका के बैठा है, हंस ना। अरे अब हंस यार, असेंबली के बैठक से ज्यादा मेरे लिए तुम्हारी बैठक हो गई यार। अरे वैसे भी तुम लोगों का कुत्ते की तरह ये झगड़ा मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों करते हो यार? हैं फालतू का भाषण अपना बंद कर। तुम्हारा घटिया भाषण सुनने के लिए मैं ही मिला था क्या? तुझे नहीं पता 30 साल से चला रहा हूँ मैं ये गुंडागिरी। तू नहीं जानता तेरे जैसे कितने घटियों को कॉर्पोरेटर बनाया है मैंने, MLA बनाकर असेंबली में भेजा है। इतना ही क्यों? इस बड़ा का बाप उसकी सारी कहानी के पीछे कौन था? मैं ही हूँ ना। प्लानिंग मेरा था, एक्टिंग उसका। बैड टाइम आया, इसका बाप मर गया। इस लड़के के साथ हमारा अच्छा टचिंग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अब अलग हो रहा हूँ। अपना धंधा मैं स्वयं देख लूंगा। और एक बात बोल रहा हूँ, आज या कल मेरे धंधे पर या मेरे सेटलमेंट में इस लड़के ने अगर उंगली किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। ये मेरा पक्का और फाइनल है। देखो भाई, तुम दोनों मेरे लिए दो आंख की तरह हो। देखो गुरुदेव, बड़ा तो बच्चे की तरह, आप तो अनुभव वाले हो ना, आप इनको समझाना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही आपस में लड़ते रहोगे तो बीच में जितने सब मरेंगे ना। लड़ना पड़ता है यार, शिकारी गधा हो तो शिकार भी उसे लात मारता है, ऐसी हालत है मेरी। अब डिस्कशन बेकार है यार, मैं पहले ही कह चुका हूँ नो चेंज। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, आप अपने वाली ही करते रहते हो तो अब मैं क्या करूँ? ये पंचायत भाषण ये सब मुझसे नहीं होने वाला है, माँ की आँख। ये क्या कर दिया मेरा पैर? नहीं हो सकता ऐसी बात, मुझे सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। हे गुरुदेव, इधर चलाने वाला गोली उधर चलाया। प्रोफेशन में सीनियर हो और एज में बड़े हो, बचपन में तेरी गोद में खेला हूं। आज से सिर्फ तुझे जीने की आशा रहना चाहिए, और किसी चीज के ऊपर नहीं। अक्कलमंदी से अपने धंधे पे ध्यान दे, कॉन्सेंट्रेट कर, मेंटेन करके चल। ये धंधा बंदा कहकर मुझे डिस्टर्ब मत कर। हे बाबूलाल, हम दोनों भी क्या तेरी दो आंख के बराबर है क्या? अगर एक आंख गई तो दूसरी आंख से मैनेज कर सकते हैं। सोच ले, अब बात तेरे घर तक आ गई है, ये बता रहा हूं कि इस मामले में लास्ट मीटिंग है। सोच ले। अरे
अरे इन दोनों के झगड़े में मेरे पैर की माँ की आंख हो गई। अरे साला क्या बताऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ। अबे ऐसे क्यों देख रहा है, कोई एग्जीबिशन लगी है क्या? अबे उठा के लेके चलना कार में जल्दी से। चेक के ऊपर साइन करते करते कंगाल हो रहा हूँ मैं अभिमन्यु, कुछ भी करके स्टूडियो को उठाना पड़ेगा। उठा लेंगे सर, कम से कम करोड़ रुपए तो मिल जाएंगे। अरे दिवाकर उस ब्रोकर को तो जानता रहा, लेकर आ जा। अभिमन्यु उठाने का मतलब बेचना नहीं है, मैं चैनल प्रॉफिट में वृद्धि चाहता हूँ। वृद्धि वो क्या होता है सर? यही चीज समझाने के लिए मैंने क्रिएटिव हेड को अपॉइंट किया है। क्रिएटिव हेड? यस, क्रिएटिव जीनियस प्रभाकर। मैं चैनल के प्रॉफिट में चार चांद लगा दूंगा, साथ में पैंट भी पहना दूंगा। सर अभिरुद्धि का अंडरवेयर पहनाना भूल गया सर। इंसान भी दो तरह के होते हैं, एक डरने वाले दूसरे डराने वाले। मैं दूसरे टाइप का हूँ। जरूरत के लिए काम करना अलग है, जरूरत समझ कर काम करना अलग है। मैं दूसरे टाइप का हूँ। इंसान तो दो तरह के होते हैं, एक औरत एक मर्द, ये तीसरा कहाँ से आ गया? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? कहे को समझने की कोशिश करो, वर्क अपने आप आ जाता है। इससे पहले मेरा काम किया हुआ चैनल यहाँ पर था, तब मैंने उसे कहा ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आपके चैनल को भी ऐसा ही करूंगा। आप महान हैं। अपना बॉस तो अभी से बीबीसी के बारे में सोच रहा है। एकदम येड़ा है। सॉरी सर। पत्रकारिता क्या होता है? ठीक है बताया। पत्रकारिता का मतलब जनता को एंटरटेन करना। सॉरी यू आर टॉकिंग नॉनसेंस सर, पत्रकारिता का मतलब जनता को एंटरटेन करना नहीं है। राइट आर स्पीक, इट्स ओपिनियन, इट्स एनालिसिस। जो भी लिखा जाता है, जो भी दिखाया जाता है, उसका एक मतलब होना चाहिए सर। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रेस्पेक्ट पीपल, रिफ्लेक्ट देयर फीलिंग्स, इट मे बी इंडिविजुअल और अ सिस्टम। टोपी वाले की तो बोलती बंद हो गई। दैट्स व्हाट आई वांट। मैं यहाँ इमोशनल होने के लिए नहीं आया, तुम सबको इमोशनल करना चाहता हूँ। निकालता हूँ मैं अपनी सारी क्रिएटिविटी, बाहर निकालता हूँ। मैं क्या हूँ दिखाता हूँ। एनी डाउट्स? अंदर कुछ होगा तो ही तो बाहर आएगा। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं सर। तुम कुछ टेढ़े नजर आते हो। लेट अस हिट दिस स्मॉल स्क्रीन, कम। यार ये तो पकाने वाला है। सिर्फ 6 बजे तक तुम मेरे वर्कर हो, उसके बाद सर गुलाम। कुछ भी करके टीआरपी दे दीजिए सर प्लीज। अभी कितना है? बड़ी मुश्किल से 1-2 मिल जाते हैं सर। 80 दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? टेक वाटर। अगर ऐसा हुआ तो सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अपना या उनका। अबे तेरे जो मुंह में आता है बोल देता है। यहाँ ट्रीटमेंट चैनल को ही नहीं स्टाफ को भी देना जरूरी है। ओके वो सब बाद में देखते हैं। आज रात मिडनाइट में 12 से 2 एक नया प्रोग्राम प्लान करते हैं, उसका नाम निशब्द युद्ध होगा। निशब्द युद्ध? यस, हर घर में रात को होने वाला। अच्छा ओ, ओ, सर प्रोमो कुछ कट करवाना है क्या? अरे तेरी तो, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए प्रोमोज नहीं चाहिए, बहुत पब्लिसिटी। आज एक ने देखा तो नेक्स्ट डे से सारा स्टेट नहीं सोएगा। एम आई राइट सर? देखने में तो बेवकूफ लगते हो लेकिन दिमाग वाले। आप भी सेम टू सेम मुझ जैसे हैं सर। दिमाग वाला ना? नहीं बेवकूफ लगे। एक आदमी ने अपने ऑफिस की जिम्मेवारी हम पे सौंपी है तो उसे ऊंचाई तक पहुँचाना हमारा फर्ज है न। कैसा लग रहा है? शेक 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 करा दूंगा। ए एक पैक डाल रहे। मुझे बहुत हो गया भाई। तेरे लिए नहीं अपने लिए बोला। बोस ने सीएम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। उसने सीएम से मिलकर फाइल हाथ में सौंपा तो अपने हाथ में कुछ नहीं होगा। किसी भी हालत में वो सीएम को नहीं मिलना चाहिए। एक बार तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वो सीएम से ना मिल पाए। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। ए बाबूलाल कैसे हो? आपकी दया से ठीक हो भाई। मेरा तुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा बाबूलाल। आप हुकुम तो करो, मैं तो तैयार हूँ। अपनी पार्टी के अगेंस्ट में कोई बोस करके है, वो अपने आप को भगत सिंह समझता है। वो मेरे अगेंस्ट में मेरे सारे काले धंधों के बारे में एक फाइल बना कर रखा है। अगर गलती से वो फाइल जाकर सीएम को मिल गया ना तो सबसे पहले मेरी मिनिस्टर की कुर्सी चली जाएगी और उसके बाद मेरा फ्यूचर एंटायर, मेरी सारी पॉलिटिकल लाइफ खत्म। वो किसी भी हालत में मरना चाहिए, भले इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। समझ गया भाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। बड़ा करके मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है भाई। ऐसे काम तो वो चुटकियों में कर देता है। कितना भी चाहिए उतना ले ले बाबूलाल। पैसा? क्या बात करते हो भाई, आपसे मैं पैसे लूंगा?
कल सुबह ही बड़ा से बात करके आपको फोन करता हूँ भाई। आप निश्चिंत रहो, नमस्कार। बिना पैसे का काम करूंगा, धर्मशाला खोला हुआ है क्या? हाय अंजलि, हाय। क्या चाहिए? बस तुम्हारा कनेक्शन। व्हाट? मेरा मतलब एयरटेल का कनेक्शन। वो मेरा काम नहीं है। तो क्या लोगों को बचाना क्या मेरी ड्यूटी है? मैंने किया नहीं क्या? अरे करना पड़ता है, बहुत सारे काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। ठीक है, एक काम करो, फ्रंट ऑफिस जाके फॉर्म फिलअप करके दो फोटो और एक आईडी प्रूफ दे दो। वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ, जो करना है बस तुम्हें करना है। आखिर क्यों आए हो? किस्मत बस एक ही बार दरवाजे पर आती है, और ये अभिमन्यु दरवाजा खोलने तक खटखटाएगा। समझ में नहीं आया, मैं यहाँ फोन कनेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपना कनेक्शन बनाने के लिए आया हूँ। समझती नहीं है? अपना कनेक्शन मतलब? ए, 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 सब कुछ जानते हुए भी नाटक करती है, बहुत नाटक हो गया तेरा। पागल, डोंट एक्ट स्मार्ट। सिक्योरिटी। हेलो, ये क्या लफड़ा चल रहा है? ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? घर समझ रखा है क्या? अरे बहादुर, ड्यूटी खत्म होने के बाद तेरे घर जाते वक्त अगर कोई अनजान आदमी तुझे खचा 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 तुझे छुरी से खोपेगा तो क्या करेगा बता? ए, 100 में फोन करेगा। बी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा। सी, हॉस्पिटल में एडमिट होगा। बता क्या करेगा? डी, मैं कुछ नहीं करूंगा। डरा रहे हो उसे? मैंने आपको भयभीत किया? अरे आपने ही तो सिक्योरिटी को बुलाकर मुझको भयभीत किया। मैंने आपसे पूछा क्या? सिनेमा चलने के लिए पूछा, लॉज में चलने के लिए पूछा, खर्चे के लिए पैसा नहीं है पैसे के लिए पूछा। तुम्हें थोड़ा जानता हूँ इसलिए एक नजर देखने के लिए आया, बस तुम तो मुझे गुंडा समझने लगी। अरे ऐसे ही होता है क्या अतिथि का सम्मान? अरे अगर मैं तुम्हारा पति होता तो तुम मुझसे क्या ऐसे बर्ताव करती? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? ये समाज है क्या है? चुप करना यार, बैठ जा। हाँ हाँ, एंगल जरा ठीक कर लूं। अब ठीक। क्या चाहिए तुम्हें? कुंडली। कुंडली? यस, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हो या नहीं, तुम मांगलिक हो या नहीं, ये जानने के लिए मेरे पापा कुंडली मंगा रहे हैं। ए, क्या मशमश कर रहे हो? गेट अप, गेट अप। क्या है जी, आखिर है क्या? हमारी भी सेल्फ सस्पेक्ट होती है। सस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट। हाँ हाँ, वही वही, उसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें इतनी है तो मुझे कितनी होनी चाहिए? जाने दे, सोचा था शादी करके ले जाऊंगा तुझे यहाँ से, पर तेरी तो किस्मत में नहीं है। हाथ में आया हुआ खाना और पास में आया हुआ पति को ठुकराएगी तो भाड़ में जाएगी। क्या जोक समझ रही है क्या? बहुत सीरियस हूँ। हाँ जानता हूँ, मेरे लिए तेरे दिल में कहीं ना कहीं तो जगह है। जल्दी हाँ कहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा, यही सोच रही हो ना? पगली कहीं की, वापस आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। आता हूँ बाद में, मिलता हूँ। मेरा नाम
कर लू दुनिया से ये कह दू मेरे दिल में तू बसी मेरी फ्रेंड भी तू है गर्लफ्रेंड भी तू है दिल दे बीवी मैं ये दे दू मेरी बीवी तू है मैं सबसे ये कह दू मैं ही तेरा जानू अब आप पिंडदान कीजिए भाई विधि पूरा हुआ आज के दिन पितृलोग आसपास घूमते रहते हैं अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं जवाब मिल जाएगा मैं मंत्र सुन रहा हूँ मुझे सिखाओ मत तुम मंत्र पढ़ो जी, जी। भाई को देखकर मुझे अपने बापू की याद आ रही है भाई के पिता कुछ करके मरे थे तेरा बाप बेड से मरा था मुंह बंद करके देखते रहे क्या भाई लोग ये शहर वहर छोड़कर यहाँ क्यों खड़े हो भाई के बापू का क्रियाक्रम चल रहा है मर गया मार डाला जाके पूछ जा पूछ ले तलवार रेडी है तेरे भी दो टुकड़े कर डालेंगे आने दे ए बड़ा सादा इसके चेहरे पे एक बार हंसी भी देखने पड़ेगी क्या बात है बिल कितने की तेरी मर्जी तू जितना बोलेगा उतना 50,000 ठीक है भाई बात कर लिया भाई वो 85 बोल रहा था मैंने 65 पे कर दिया भाई ठीक है ना भाई काम हो जाएगा आप निश्चिंत होकर के सो जाओ ठीक है ना भाई सर अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ ये चला ठाट यू जस्ट हेलो कैसी है सर कॉन्सेप्ट तुम्हारा है हाँ सर वेरी नाइस कम हियर स्वीट गो थैंक यू सर यार बता ये निशब्द युद्ध वर्कआउट हो सकता है क्या वर्कआउट होगा ए पानी लेके आ जी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है यार जनता ऐसी चीजें आसानी से समझ जाती है दूरे इस स्लरी वाटर छोड़कर कभी मैंने पिया है ये क्या रे ऐसे क्यों घूर रहा है क्यों क्यों जाने देना यार जाने दे सर ये बात नहीं है यार सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए ए सर इधर आ सुनो जी काम सीखना यार जी क्या कहा यार वो निशब्द युद्ध वर्कआउट होगा पूछा ना हाँ। सुनो यार अपनी ताकत को पहचानना एक कला है सामने वाले की कमजोरी को दिखाना भी एक कला है हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं बाजू चैनल के एमडी को औरतों से प्यार है इसी से उसे मारेंगे रिस्की तो नहीं है नहीं कार से उतरते ही दो औरतों को रखूंगा मिस हुआ तो लिफ्ट में 3 को रखूंगा वो अगर मिस हुआ तो इस बार रिसेप्शन में 5 को रखूंगा इतने किस लिए सर कोई कंपनी खोलनी है क्या वो बंद कर क्रिएटिव थॉट्स आने पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एटीएम हाँ भवानी बोलो क्या प्रभा कुछ टीवी पे दिखाने वाले थे ना आते हो जल्दी में काम करके चले जाते हो मेरा काम तो केवल तुमसे ही हो जाता है लेकिन तुम्हें टीवी में दिखाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए ना मजाक है क्या ओके ओके ठीक है तुम घर पे रेडी रहना मेरे आदमी आएंगे खाने का प्रोग्राम शूट करेंगे अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता है मैं क्या आता है क्या नहीं आता है मैं जानता हूँ भवानी ओवर आइस से मंगा कर रखो मैं मैनेज करता हूँ रात के लिए बचा कर रखना मूड बना कर आऊंगा रेडी रहना ओके बाय अरे अभिमन्यु अरे तू करके बात करेगा तो जान निकाल दूंगा तेरी अगर थोड़ी सी भी हाइट होती ना तेरी तो कोई भी पकड़ नहीं पाता तुझे तेरी तो माँ बुलाया सर यार ज्यादा फील मत करना हाँ बोलिए सर मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया है हर घर में खाना बनाना चाहिए प्रोग्राम का नाम है घर का चूल्हा बहुत अच्छा सर कर दीजिए ये करना मुझे नहीं है तुझे है मजाक मत करिए सर मैं तो रियलिटी शो को प्लान कर रहा हूँ सर आप घर में चूल्हा क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं सर यार अपने स्टाफ कितने हैं 60 लोग हैं यार कल से 58 होंगे क्यों सर दोनों छोड़ने वाले हो क्या सॉरी सर फ्लो में आ गया खंबे जैसे खड़ा किया चलना भ
भवानी जी का घर है। आप लोग कौन? हमें प्रभाकर जी ने भेजा है। भवानी कौन है ये लोग? जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ जाओ। किसने कहा बैठने के लिए? क्यों, यहाँ सोने के बिना बैठ नहीं सकते क्या? काट कर फेंक दूंगी। प्रभाकर ने जो वर्कर्स के बारे में कहा वो आप ही हो? वर्कर्स नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, ये को डायरेक्टर है। आप लोग क्या लेंगे? आप जो भी प्यार से दोगे। कंट्रोल। समझ गई, पेप्सी लाती हूँ, बैठिए। मैं भी पास में रहकर आपकी हेल्प करता हूँ। मौका मिलता चालू हो जाता है। अरे मामू, अपना प्रभाकर तो इसे पर्सन समझकर खुश हो रहा है, इसे देखकर तो पता लग रहा है कि पब्लिक माल है। अपना सारा पैसा इस पर ही लुटाता है ऐसा लगता है। ऐसा ही लग रहा है। ये इधर कैसे? बाय बाय बाय। अरे मामू, शॉर्ट अरेंज कर ले, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। शाम को जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो एयरटेल, तुम कैसे इधर? वो तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस घर पर आया हूँ। ओहो, तो तुम्हें इन सब की भी आदत है? आदत क्या, मैं तो रोज यही करता हूँ। रोज? यस, जब तक थक ना जाओ तब तक करता रहूंगा। क्या जी, तुम्हें करना पड़ा तुम नहीं करोगे क्या? क्या बकवास करो, मुंह तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ोगी, ये मेरी ड्यूटी है। वैसे हर महीने सब करा कर 5,300 लेता हूँ। मतलब सब करा के पैसे भी लेते हो? और नहीं तो क्या, फुकट में कौन करेगा? ये तो बड़ा चालू लगता है। शॉट रेडी है। ये कौन है? मेरा असिस्टेंट, दोनों मिलकर करते हैं। दोनों मिलके? क्या बात है, हर बात पे सवाल करती है, बिना असिस्टेंट के कैसे शूट करूंगा? शूट करोगे? या शूट करके खूबसूरती से टीवी पर दिखाएंगे। टीवी पर? हाँ। ऐसे काम करते शर्म नहीं आती? मेरा काम मुझे करने में शर्म किस लिए? चुप करो, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। बेकार कहीं का। क्या, खाने का प्रोग्राम करना बेकार काम है? खाने का क्यों डाउट है, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, वो मेरा असिस्टेंट है। सॉरी, मैं कुछ अलग ही सोच रही थी। ऐसी गलती करने से ही रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनते हैं, आप बुरा मत मानिए। शाम को जल्दी आ जाना। इतनी सुंदर है, देखकर चुम्मा लेने का मन करता है। आजा 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 मामू, शॉट रेडी है, टॉप एंगल में रखा है, अंदर देख। क्या रे, टॉप एंगल की बात कर रहा है, उसे बाद में देख लेंगे। लोकेशन चेंज। अंजलि अंजलि मेरी अंजलि 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 अंजलि। सॉरी कहा ना, आप पीछा क्यों कर रहे हो? सॉरी सुनने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर ए, 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 चोर कहीं की बहुत नाटक करती, सब पता है तुझे। आंटी आंटी जी, आंटी जी, अंजलि की माँ को बुलाएंगे? मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता आप हीरोइन श्रीदेवी। नहीं बेटा, मैं अंजलि की माँ हूँ। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती, आप हीरोइन श्रीदेवी हैं। अभिमन्यु, वो कह रही है ना अंजलि की माँ है, चाहिए तो उधर देख। आखिर आप यहाँ क्यों आए हो? आपके घर को जलाने के लिए। हा? मेरा मतलब घर का चूल्हा, हम लोग टीवी प्रोग्राम बना रहे हैं। आते वक्त उस गली में एक छोटे लड़के से पूछा कि यहाँ खाना कौन अच्छा बनाता है, तो उसने आपका नाम लिया। इतना छोटा बच्चा सब कहेगा क्या? वो मत कर, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपका किचन किस तरफ है? अच्छा, ये 2, 12, 5 यहाँ इस तरफ होगा। हाँ यही है। आपको कैसे पता चला? वास्तु है, आइए बताता हूँ। लगता है इस घर में रहने वाली सारी औरतें वास्तु के हिसाब से रहती हैं। सिस्टर जान से मार दूंगी। आजा आजा अच्छा अच्छा बहुत हो गया, आजा आजा देख लेते हैं। मुझे शर्म आ रही है। अब मुझे समझ में आया, आप तो कैमरा कॉन्शियस हैं। ये चीज श्रीदेवी में नहीं है, इसीलिए बॉलीवुड गई, बोनी कपूर से शादी की। वैसे अंकल ऑफिस गए हैं ना? आर्मी में है। ओ सुपर, चल टेक। ये टीवी पे कब आएगा? मेरी शादी तक डेली आएगा। अब इतनी देर हो ही गई, खाना खा के जाइए। अरे चलेगा, कल फिर आऊंगा मैं। मम्मा कल क्यों आओगे? चोर कहीं की सब पता है, फिर भी नाटक करती है। आ जाऊंगा तेरे को, शादी होने दे। अच्छा एक काम कर, सीधा वहीं जाना। किस लिए? अरे तेरे को सारा काम करना भूल गया क्या? शादी के बाद तो सब चलेगा। कहाँ से आ रहे हो? सर भवानी के घर से। उसी से बात हो रही है। भवानी ये आए थे? नहीं नहीं आए ना। एक बार मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो मैडम, हम आपके घर आए थे ना, आप दूसरे आदमी के साथ बिजी थे। अरे वो पाइपलाइन वाला। करेक्ट करेक्ट। आज मूड नहीं है, कल आने को बोला आपने। तो ये बात आप सर को क्यों नहीं बता रहे? बताती हूँ। मैडम आपको कुछ बताना चाह रही है। इट इज ट्रू भवानी? आए थे प्रभा, मजाक कर रही थी। पागल, हमेशा जो रोमांटिक मूड में होगी। ये सब हमारे भी चलता रहता है। आप यहाँ तो वहाँ किसी और से वो ए, गधे लुक मत दे, देखने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता, समझ गया? एडिटिंग रूम में चल। सर भवानी जी का नंबर मिल जाए तो अगले एपिसोड के लिए ट्राई कर सकता हूँ। डायरेक्ट जा रहे, नंबर की क्या जरूरत है? आपके परमिशन के बिना। क्या हाल है मूर्ति साहब, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ बेटा।
और 5 दिन में मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, रिटायर्ड हो रहा हूँ ना, तो कुछ पेपर सबमिट करने। मूर्ति जी बूढ़े हो गए मतलब, आइए आइए एक लाठी खरीद कर देता हूँ। मैं अब तक 16 साल का हूँ, देखो रिटायर्ड होने के बाद तुझे कोई टक्कर देने वाला नहीं। मूर्ति जी आप हमेशा एवरग्रीन एक निरंजन हो। दैट्स गुड, मैं भी आ रही हूँ। अरे रे, तेरी माँ भी आना चाहती है क्या? मूर्ति जी क्या कर रहे हैं, माँ आएगी तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पब नहीं जा पाएंगे, अच्छे से पी नहीं पाएंगे, लड़कियाँ नहीं देख पाएंगे, अब माँ का आना जरूरी है क्या? क्यों रे, अपनी माँ को साथ में आने के लिए मना कर रहा है? अरे ऐसा नहीं है माँ, मैं तो मूर्ति जी से कह रहा था कि आपको लाना बेहद जरूरी है, बस यही बात कर रहे थे हम। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ। अरे बाप रे, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, गलती से जीप चल गई बस। ठीक है, मैं आते वक्त चकली पूरन पूरी सब कुछ लेके आऊंगी। लव यू। बाबूलाल, तुझे काम सौंपा तो तू इस तरह से करता है क्या? ऐसा नहीं है भाई। ए बाबूलाल, अगर वो फाइल सीएम के हाथ में चली गई, तो हम सब लोग एक ही जेल में एक साथ चक्की पिसते नजर आएंगे, समझा? एक आखिरी मौका दो भाई। देखो काम खत्म होने के बाद तुरंत फोन करो मुझे, ठीक है? वरना अभी फोन ही मत करना। इस बार आपको फोन करने से पहले वो मर जाएगा भाई। रखता हूँ भाई। क्या बड़ा, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, बस बोलते ही रहते हो तुम, काम नहीं होता तुमसे। मैंने पहले ही बोला था ये पावरफुल लोगों का काम है, अभी समझा? ये सब तेरे बस का काम नहीं है भाई। ज्यादा मत बोल, एक ही बार मिस हुआ ना? एक बार भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए तेरे पास आया, समझा क्या? परेशानी में है क्या? उसे मैंने ही मिसिंग करवाया है। ए गुरुदेव, ए ऐसा शाउटिंग मत कर। ए तू तो मेरे बेटे के बराबर है, एक नीति की बात सुनाता हूँ। सुन ले, पीपल की छांव में सोना चाहिए, लेकिन उसे काट कर उसके जितना बढ़ने की ख्वाहिश मत रखना। ये 2-व्हीलर का लाइसेंस बनाना, क्रेडिट कार्ड का रिकवर करना, हफ्ता वसूल करना, ये सेटलमेंट करना, ऐसे छोटे मोटे काम बहुत है मार्केट में, वो सब करना चाहिए। वो सब छोड़ कर तू मुंह पर जरा सा बाल भी नहीं उगे और बच्चा होकर तू इतने बड़े धंधे में उंगली कर रहा है? ये सब बिल्कुल गलत बात है, इस धंधे में लाइफ का रिस्क है। तू टेंशन मत ले, मुझसे मिल, मैं तुझे सिखाता हूँ। काम हो गया करके बता दे। अंजलि, अंजलि, अंजलि किस लिए बेटा? अब आपसे काम हो चुका है। बंद कर। आपको ही बुलाने के लिए। क्यों, इन्हें डायरेक्ट बुला सकते हो ना? बंद कर। बड़े लोगों को नाम से बुला सकते हैं, आप तो सास जैसी हैं, आपसे तो मैं बहुत ही इज्जत से बात करूंगा। मतलब ये तुम्हारी सास है क्या? अरे रुक जा। कुछ गलत बोला क्या? चलिए चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा सासू माँ, अंजलि कहाँ है? ऑफिस गई है, 1 घंटे में आ जाएगी। 1 घंटा? वो आने से पहले शूटिंग हो जाएगी क्या? सासू सासू माँ, ये बॉर्डर है ना, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा होता अच्छा लगता, थोड़ा फैंसी, थोड़ा स्टाइलिश होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ वही वही, कैमरा में बहुत कोऑपरेटिव है। खाना बनाने से साड़ी का क्या संबंध है? चल निकल, अपने को तो अच्छी अच्छी बॉटल मिल सकती है, अंकल मिलिट्री में है ना यार। चुप कर कहते, शादी से पहले ऐसी आदत हो तो लड़की नहीं देंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वापस क्यों आए हो? चाकू घुसा दूंगा। हमें जो सवाल ही पूछती रहती, चोर नहीं। हाँ चेंज करके कैसे लग रहा है? अरे बाप रे, कितनी सुंदर लग रही है सासू माँ। सासू माँ अपनी बात हो चुकी है। हाँ अरे तू सासू माँ को ले जाकर लाइटिंग कर, ऐसी लाइटिंग कर कि चाय ना लूट जाए। प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। शर्मा कर भाग रही है। ए अंजलि, 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 बेडरूम तक आ गए? ए अब तक किसी के पीछे इतना नहीं घूमा, किसी के बारे में बोला नहीं ना? मतलब 1-4-5 लोगों से बोला तो छीहट बोला, लेकिन जब फर्स्ट टाइम तुझे देखा तो देखते ही कुछ होने लगा। ये बात मैंने मूर्ति जी को भी बता दी। वो कौन है? ये क्या कह रही है? चल माफी मांगो, तुम्हारे ससुर जी हैं, उन्होंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं, आइसक्रीम से लेकर सब 15 तरह के आइटम्स होते हैं, जानती हो? अगर तुम्हें डायरेक्ट बोलने में शर्म आ रही है तो मेरे बाहर जाने से पहले वो स्विच 3 बार ऑन ऑफ कर देना। पसंद है तो समझ कर वापस आऊंगा, नहीं तो जिंदगी में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज ऑन कर, ऑन कर ना मेरी माँ, ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर। स्विच काम नहीं कर रहा है।
मेरा तू दिल देगी ना अरे बोल दादा बोल दादा बोल दादा बोल दादा सबको भुला के मेरी होगी ना अरे बोल दादा बोल दादा बोल दादा बोल दादा दिल लेके मेरा तू दिल देगी ना अरे बोल दादा बोल दादा बोल दादा बोल अरे सबको भुला के मेरी होगी ना अरे बोल दादा बोल दादा बोल दादा बोल दादा बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में पहले मुझे ही पूछा गया था यार। गया क्यों नहीं यार? तुम नहीं समझोगे मेरी बात, मैं ही जानता हूँ। क्या पता क्या सही है क्या गलत है, हाइट की वजह से नहीं गया होगा। सर ऊपर लगेगा आपको। एक्स्ट्रा मत रहे, नी लिमिट्स। चल रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपने चैनल को बहुत अच्छा कवरेज मिलने वाला है सर। चीफ सेक्रेटरी जयप्रकाश जॉब छोड़कर जाने वाले हैं सर, उनको लाइव के लिए बुलाना पड़ेगा सर। उस प्रोग्राम को हम करते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। IAS ऑफिसर्स आकर मीटिंग करेंगे, मिनिस्टर्स आकर गिफ्ट देते हैं, ये नहीं चाहिए रे। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी चाहिए। मेरे जैसा तू भी ब्रिलियंट है, ऊपर आएगा। लेकिन सर मेरी बात, बट इतनी जल्दी तरक्की करना मुश्किल है और मेहनत करना होगा। जनता को जिससे फायदा हो ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए सर। जनता रिएक्ट करेगी यही सोच रहा है ना, देख कर सब भूल जाएंगे, समझा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? परेशान मत कर, कह रहा हूँ ना, गेट लॉस्ट। बहुत मुश्किल है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है यार। इतने मुश्किल से पत्रकारिता की पढ़ाई की यार, लेकिन कोई फायदा नहीं है यार। लगता है मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी यार। ये प्रोग्राम कर पाए तो अपने चैनल का बहुत नाम होगा। अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं तो किसको फायदा होगा किसको नुकसान मैं नहीं जानता। तू खुश है ना? लाइव शो है तू अरेंज कर ले। फिर बॉस का? बॉस हो या कोई हो,
सर ये शॉट यहाँ पे लगाया हो, कैसा लग रहा है? वो शॉट अच्छा लगेगा क्या? मतलब वो क्या मतलब? लोग सोचेंगे खत्म हो गया, क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। सर आप दोनों दो घंटे के लिए बाहर जाइए। रिक्वेस्ट है, डिमांड है या ऑर्डर है? डेंजर। किसे? मुझे? भवानी जी को। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ? मीरा रोड में। मीरा रोड क्यों गए यार? निशब्द की वजह से हुआ होगा। वो बंद कर। भवानी आप इधर क्या कर रहे हैं सर? आप उनके साथ नहीं जाओगे? वो हमारे स्टूडियो के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किल झेलते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? जाइए यहाँ से। जाओगे तो मुझे वर्कआउट हो जाएगा। अरे तू किधर जा रहा है? भवानी जी को देखने। औरत तो कुछ भी होगा तो पहले तू जाएगा। चल बैठ वहाँ पर। नहीं नहीं, सरकार बदल जाती है लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सभी सरकार में तेजी से काम करके बड़े बड़े पदों को हासिल कर लेते हैं। समर्थक का काम करने वाले जयप्रकाश जी हमारे ही राज्य के हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे इंसान को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, आइए हम उनकी जुबान से सुनते हैं। बताइए सर। नमस्कार, आई एम जयप्रकाश, एक्स चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, मैंने इस्तीफा दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई रेजिग्नेशन। यू नो, मैंने आईएएस की पढ़ाई के लिए 18 साल तकलीफ झेली है। मैंने अपने सपने, अपने आदर्शों को मन में ही दबा लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मैंने किताबों में कुछ और पढ़ा था और यहाँ कुछ और हो रहा है। हम महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो पढ़ते हैं, ऐसे चरित्र के लीडर आज नहीं है, ऐसे लीडर बिल्कुल नहीं है। आज तो बड़ा जैसे क्रिमिनल्स राज करते हैं और इनको सपोर्ट करने वाले आजकल के चीप पॉलिटिशियंस हैं। वो बोलते हैं वही होता है, वो बोलते हैं वही लिखा जाता है, जो पसंद आया उसे कॉन्ट्रैक्ट, जो पसंद आया उसे लाइसेंस। मेरे जैसा अगर कोई विरोध करता है तो उसे धमकी मिलती है। इसीलिए मैंने कुछ देख कर भी नहीं देखा। अपनी जमीर को जिंदा रखने के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सर इतने सारे ऑफिसर्स हैं, फिर आपने क्यों रिएक्ट किया? क्या भाई, इतने सारे पत्रकार होते हुए भी आप मुझे रिक्वेस्ट करके क्यों यहाँ लाए? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने समाज की जिम्मेदारी समझते हैं। सर आपको उनके ऊपर कोई? नो 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 नो, प्लीज मुझे गलत मत समझो। ना उसकी बेटी को अपने घर लाया, ना अपनी बेटी को उसके घर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई एम डूइंग दिस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर द पीपल एंड माय कंट्री। सर आपने और आपके ऑफिसर्स ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अभिमन्यु स्टूडियो के बाहर लफड़ा हो रहा है। ए, तू देख जरा। लेकिन ये लोग पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल दादागिरी चला रहे हैं, पैसे हैं, ही कैन डू व्हाट एवर ही वांट्स। और ये बात सारे आईपीएस ऑफिसर, सारे आईएएस ऑफिसर को पता है। इसके लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मैटर क्या है? ये शो रोको, वो आदमी हमें चाहिए। दोनों नहीं हो सकते। मैं बड़ा का आदमी हूँ। बड़ा हो या छोटा हो, तूने तो सुना है, करेक्ट है। बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया? ए, वो नहीं उठेगा। मैंने मारा, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। डॉक्टर अच्छा हो तो ठीक होने में मिनिमम 3 महीना लगेगा। निकलो यहाँ से। आपका फ्यूचर प्लान? इस तरह के प्रोग्राम जनता तक पहुँचने चाहिए, एक दहशत फैलनी चाहिए इन गुंडों के दिलों में। इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए, हमें आम लोगों से बात करनी चाहिए। सर आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहते हैं? एक ही बात, एक दिन आएगा जब जनता जागृत होगी। और सरकार के दिल में आम आदमी को जवाब देने का डर पैदा हो, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। तभी इस सब में सुधार होगा। तभी बड़ा जैसे क्रिमिनल का सफाया होगा, हमारे जैसे ईमानदार ऑफिसर अच्छी तरह काम कर सकेंगे, मुझे यकीन है। क्या कहा तूने? बड़ा एक आदमी है, चैनल रोकेगा है, कैमरा बंद करेगा है, क्या क्या तेरी इतनी हिम्मत?
चल निकल यहाँ से। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, नमस्ते। यही प्रॉब्लम है जनता का, सेंचुरी मारे बिना बैट्समैन ऊपर नहीं आता, हीरो गुंडे की पिटाई किए बिना हीरो नहीं रहता। ए अभिमन्यु, अब तुझे कोई नहीं बता सकता। इससे मुझे मार दीजिए सर। हा? मैंने आपसे झूठ कहा। क्यों, किस लिए? इस स्टूडियो को ऊपर लाने के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको प्राइवेसी देने के लिए ऐसा किया। मुझे इतना क्यों प्यार करते हो? पहले से ही आपसे मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है सर। मेरे गले लग जा। हाँ सर, थोड़ा हाइट बढ़ाइए सर। हा? थोड़ा हाइट बढ़ाइए सर। चुप हो जा, काम सीख ले। छोड़ यार। आपको प्राइवेसी क्रिएट करके ये क्यों टायर्ड हो गए सर? आपने सोचा था कुछ और हो कुछ और गया। ओ, कुछ नहीं हुआ। चल यार चलते हैं। नमस्कार, HMTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं किरण। इस दुर्घटना में 50 आदमी। इनकी जात का, इनके पास नया क्या है? प्रोग्राम रोकने गया था तो उसके आदमी ने मारा भाई। क्या रे, सुना कल पंकज का काम पूरा हो गया और मुझे खबर भी नहीं? ऐसी बात नहीं बताएगा, कोई मारेगा या पैसों का जरूरत है तो बराबर बोलेगा। आज उसका टाइम था, मार दिया। कल हमारा टाइम होगा, मार देंगे। और ये छोटी छोटी बातें लेकर मेरे पास मत आना, समझ गए ना? क्यों मूर्ति जी, जरे ठीक ठाक थी ना? अरे रे रे। पीछे तेरी माँ आ रही है, पहले उससे मिल, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। अरे वाह 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 वाह, माँ, मेरी माँ। ये क्या बेटा, इतना सूखे है? मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो ना? हाँ हाँ, अभी दे दो, खा लूंगा। अरे है मेरी वाली मिठाई। खाना बहुत अच्छा मिलता है, बैठो। अरे बैठना, आप यहाँ आराम से खाते रहिए, मैं आता हूँ। ओके। अरे बेटा। हाँ क्या पिताजी, अब तो पगार मिलती है ना मुझे? रख, पगार तुझे कम पड़ेगी, मुझे मालूम है। माँ को पता ना चले, पता चला तो चिल्लाएगी। आपने बोला तो कैसे मना करूं भाई। हाँ तो रोज का कितना ट्रिप मारोगे? सिर्फ नाम के लिए चल रहा है भाई बिजनेस, पैसे कमाने वाले सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। भाई मुझे कुछ काम है, बाकी काम मेरे असिस्टेंट ठीक है। चल, परसों जिसने मारा वो यही है। क्या रे, परसों चैनपट्टी कर रहा था, क्या बोला तेरे? बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में बड़ा कौन है पता है? अरे सुना, युगांडा में प्लेग की बीमारी से 3000 लोग मर गए, जानता है क्या? मुझे क्या करना है? तो मुझे भी क्या करना है, बेकार की बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। मैं बड़ा का राइट हैंड हूं, मेन आदमी होता है चुपचाप रहता है। तुम चिल्लर लोग इतना हल्ला क्यों करते हो? नहीं मेरी बात सुन, जिस काम के लिए आया करके निकल जा। भाई ने तेरे जैसे बहुत लोगों को देखा है। मुझ जैसे देखने वाले बहुत है, मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ। अच्छा टेढ़ा है तू? ये मैं हूँ।
अब पता लग गया ना। भाई सब ठीक है भाई। अच्छा माँ मूर्ति कहाँ है? फोन पे बात कर क्या रहे? बात है बहुत सीक्रेटली बात कर रहे हैं। ए बेटा। हाँ माँ ये क्या है माँ मुझे सैलरी मिल रही है ना? तेरी सैलरी कम पड़ेगी मुझे पता है ये ले और सुन उनको पता ना चले नहीं तो नाराज हो जाएंगे। लव यू माँ। मेरा प्यार है बेटा। क्या हमारी कुछ कंप्लेंट की जा रही है अपने बेटे से? अरे कुछ नहीं माँ मीनाक्षी मामी के बारे में कुछ बता रही थी। चले चले टाइम हो गया। चलो कहाँ गया वो? भाई उधर देखो उधर। मूर्ति जी रात को ही पहुंच जाओगे। पिताजी आप बस में जाकर बैठिए। माँ आप भी जाओ मैं भी आता हूँ। क्या रे क्या परेशानी है? कौन है वो लोग? तेरे माँ बाप? भाई पहले इन लोगों को टपका देते हैं ना। माँ या बाप किसी का भी नाम लिया तो मसल दूंगा। तुम्हें एक अच्छा सा ऑफर देता हूँ बस जाने तक वेट करोगे तो जितनी देर भी वेट करोगे उतनी देर मुझे मार सकते हो और अगर बहुत ज्यादा हिम्मत है तो भाग भी सकते हो। भाई ऑफर तो बहुत बढ़िया भाई। देखने में बिल्कुल ढक्कन लगता है लेकिन बात सही कह रहा है। भाई अपना मारने का टाइम आ गया। तू सही बोल रहा है ना? हाँ भाई। बात तो तू अच्छी कर रहा है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर कुछ डर सा लग रहा है। बस निकलने दो जैसे ही आएगा मैं अपना टैलेंट दिखलाता हूँ। क्या मूर्ति जी लगेज सब रख दिया ना? हाँ सब रख दिया। अच्छा माँ इस बार जलेबी लाना भूलना मत। अच्छा माँ आराम से जी मैं निकलता हूँ। हाँ ओके। अच्छा संभल के। हाँ था। ऑफर की बात तो ऐसे करा जैसे मैं चट्टी बनियान बेचता हूँ। माँ पिताजी थे इसलिए ऐसा ऑफर। अभी मन्यु के ऊपर हाथ उठाया तो तू गया काम से। ऐसे छोड़कर चले जाओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। जिसका जितना कोटा है पूरा करके जाओ। हाँ चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। कौन से काम जा रहे हैं सर? हैदराबाद जा रहा हूँ भाई। हैदराबाद जा रहे हो? चलो 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 जल्दी पहुँचा देता हूँ। अरे देख लिया। अबे ढक्कन चल नीचे आना। मैं नहीं आऊंगा तुम मारोगे। देख तू शक्ल से समझदार लगता है। मैं समझदार नहीं हूँ। अगर चुपचाप नीचे आ गया तो ज्यादा नहीं मारूंगा। अगर मैं ऊपर आ गया तो तेरी बैंड बच जाएगी बता रहा हूँ। ठीक है आता हूँ। चल चल आजा आजा आजा। भगवान मेरे पीछे क्या? उठ रहे उठ रहे ढक्कन। अरे कितना खाता इतना भारी हो गया है? क्या रे माँ बाप के सामने हेरे तूरे करके बात करते है? तमीज नहीं तुझे बात करने की है? जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हथियार नहीं चलाना चाहिए और अगर चला दिया तो चुपना नहीं चाहिए। समझ गया ना? समझ गया ना? हे बाबूलाल तेरा काम हो गया बैलेंस लेके आ जा। क्या हुआ?
ऑफिस में थोड़ी देर हो गई। आंटी अंकल को बुरा लगा क्या? कौन है वो? बुरा नहीं लगता है क्या? ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं। पहले प्यार प्यार कह के पीछे पड़ी रहती हैं और फिर शादी का नाम लो तो मुंह फेर लेती हैं। जमाने जमाने से युगो युगो से तुम औरतों के हाथे से आदमी फंसाए जाते हैं। क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, शक्ल मत बनाओ। एक बार मार खा लेना गलती हो सकती है, लेकिन हर बार मार खाते रहना इंसान की कमजोरी होती है। आंटी अंकल अपनी शादी के बारे में क्या बोले? बेचारे वो क्या कहेंगे, हम लोगों को ही कहना है। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तुम थोड़ा कॉर्पोरेट करोगी तो अच्छा रहेगा। किस लिए? क्या तुम नहीं जानती? नहीं जानती? हाँ। नमस्कार, HMTV न्यूज में आपका स्वागत है, मैं किरण। आज सरकारी बस में मलाड हाइपर सिटी के सामने घोर अग्निकांड हुआ। इस दुर्घटना में 50 आदमियों के मारे जाने की खबर है। ये घटना कैसे घटी अब तक किन कारणों का पता नहीं चला है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए उस एरिया के ACP रवि वर्मा जी मीडिया से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं। यह घटना बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, ऐसा हमें पता चला है। सर, ये किसी की लापरवाही से हुआ है या जानबूझ के किया गया है? लोग ऐसी घटनाएं नेचुरली होती हैं, कोई जानबूझ कर नहीं करता। आप पब्लिक को मिसगाइड। इतने स्पीड में क्यों आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट मैटर है क्या? तेरा बॉस कहाँ है? कंप्रोमाइज के लिए भेजा है क्या? अगर दूसरी बार भाई के बीच में आए ना तो सर कलम कर देंगे। ये लास्ट और फाइनल वार्निंग है, समझ ले। अच्छा। ये सर काटना पैर काटना बाद में सोचना, पहले मेरी बात सुन। मैं भी तुम्हारी उम्र में बिल्कुल तुम्हारी जैसा रैश में रहता था। इस बड़ा के बाप के पास हाथ बांध कर भाई भाई कहकर चमचागिरी करता था। आखिर मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं तो ओल्ड एंड सीनियर ब्लड, और तुम लोग जवान और गर्म खून वाले हो। हम दोनों अगर एक हो जाए तो इस शहर को हिला हिला कर रख देंगे। क्या कहते हो भाई? ए, थोड़ा साइड में आइए ना भाई। ए, यहाँ क्यों लेके आए? ये भाई के बारे में जो बोलेगा सब सुन लेंगे, फिर भाई को बता देंगे। तू सही बोल रहा है ना? मैं बिल्कुल सही हूँ भाई। कुछ गलत हुआ ना काट डालूंगा। टेंशन मत लो, आप चलो ना। चल। बैठो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। बड़ा तुम लोगों को क्या समझता है? अरे उसकी बात छोड़ो भाई, वो बेकार का आदमी है। हम दोनों ने कितनी बार सोचा उसको मार डालेंगे। क्यों रे? ऐसा क्या? पैसे भी नहीं देता भाई। अब ये बात किसको बताएं? अच्छा बनाया तुम लोगों को, इसकी जात का पैदा मारो। ए बस, अब भूल जाओ सब। अब तुम लोग कुछ फिक्र मत करो, अपने पास बढ़िया सेटअप है तुम लोगों के लिए। फुर्सत से बैठो, फुर्सत से पियो। Thank you.
सब? कौन है रे तू? हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है पहले? अमेरिका ने 60 साल पहले वहाँ पर बम गिराया था, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसका नाम है एटम बॉम्ब, मेरा नाम है अभिमन्यु। सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी पावर सेम है। एक बार तुझे मारूंगा तो तुझसे पैदा होने वाले को भी साइड इफेक्ट होगा। अब मैटर क्या है चाचा जी? हटो, बताता हूँ आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है चाचा जी। इन गुंडे लोगों की, मवाली लोगों की अकल ठिकाने लगाने मैं आ गया हूँ। मैं इनकी बैंड बजा के रहूंगा। तो क्या समझता है मेरे ये बाल ऐसे ही सफेद हुए हैं? सबको देखना अलग, इसको देखना अलग है भाई। इसीलिए तुझे समझदार कहता हूँ। रात को मेरे साथ एक घटना हुई। मेरे गुरुजी ने सपने में आकर कहा, अरे अभिमन्यु तुझे जमीन पर किस काम के लिए भेजा है और तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, गुरुजी मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। साले क्या कर रहा है? ऑफिस में फालतू बैठा है, मुझे तो बुरा लगा। ठीक है गुरुजी, मैंने आपका नाम रखा है, आपको बुरा नहीं लगेगा मैं वादा करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया। गुरुजी क्या कहा? बादलों की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कर लूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। ओके गुरुजी, ये बात है, तुम्हें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, और अगर वापस ही आना है तो शहर का माहौल ठंडा होने के बाद आना, और हाँ ये सारी गुंडागर्दी वही छोड़ के आना। एक्सपीरियंस वाले लगते हो, अब तक तो सब कुछ समझ गए। ये मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा जीने वाला नहीं है। मुझ पे हाथ उठा के इसने अपनी मौत को तो बुलाया है, लेकिन अब इसे मौत जरा जरा करके आई है। तुम क्या सोचते हो, डराने धमकाने का काम तुम्हें ही आता है क्या? हम भी जानते हैं, बस अपना स्टाइल थोड़ा अलग रहता है। मेरे बारे में कुछ बताया गुरुजी ने? तुम जैसे ढक्कनों के बारे में गुरुजी बात नहीं करते। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे पीछे बड़ा है। चल वहीं आ रहा हूँ। 8 मेगापिक्सल कैमरा बाय के रविंद्र बाबू। देखा तेरे बड़े के बारे में कितना अच्छा बोला है। वो बेकार का आदमी है, हम दोनों ने कितनी बार सोचा उसको मार डालेंगे। क्यों रे? हाँ भाई, इसे डॉल्बी में मिक्स करके राखी सावंत का एक गाना डाल के एक अच्छा कमर्शियल सिनेमा बन जाएगा। ऐसा मत करना, वो पहले ही सनकी आदमी है। देखा, वापस गाली दे रहा है। ये भी रिकॉर्ड कर दिया क्या? समझदार हो तो समझदारी की बात करो ढक्कन। मुझे बड़े के पास ले चलो, मुझे उससे बहुत काम है। चाचा जी आप जाने वाले हो ना? तुम जाओगे, मैं जानता हूँ। चलिए सर। सर क्या बोलता है बे? छोटा भाई बोल। अरे बोल ना, बोल। छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई के प्यार से बोल। छोटा भाई। बिल्कुल। हाय बड़ा। हाय सर, आप खुश हैं ना? थैंक यू। ये छोटी छोटी बातों का आप टेंशन मत लो, और कुछ लफड़ा है तो ये बड़ा है ना संभालने के लिए। ये टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। अरे गवर्नमेंट अपनी ही है, समझ ले कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तुझे। थैंक यू सर। क्या बोल रहा गुरुदेव? बोलने के लिए इधर है नहीं भाई, मार डाला। डर के मारे गांव छोड़ के चला गया। गांव छोड़ के भाग जाए, इस रेंज में डरा है क्या? वो हमारे डर से नहीं भागा है भाई, इस शेर की वजह से। ये जंगल के शेर जैसा है भाई। उस गुरुदेव से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। आपको कोई परेशान कर रहा है इस भाई ने बताया मुझे। अरे भाई बोल ना। हाँ भाई, ये छोटा भाई, कल जब हम दोनों पी रहे थे तो मैंने आपके बारे में इनको बताया। कुछ पैसा चाहिए? पैसा ही चाहिए होता तो गुरुदेव से ही ले लेता। है? मेरा कोई पुराना काम बाकी है, मैं बाहर रहा तो कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए आपके पास रहना चाहता हूँ। यहाँ रहना है तो बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। हेलो ब्रदर्स, तुम जैसे लोग ग्लव्स पहनकर लंगोट पहनकर रिंग में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मेरे जैसे लोग कोई भी काम विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट प्रोटेक्शन। प्रैक्टिस करें तो वो परफेक्ट होनी चाहिए। ट्रिपल
ऑनलाइन पैकेज पे शिफ्ट हो जाइए। कितनी भी देर फ्री बात कर सकता हूँ? फ्री है। थैंक्स मैडम, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? वेलकम। देखते हैं क्या कर रहा होगा। ओह, इतने बिजी हो गए सर। क्या हुआ इसे? अब तक हम आपको 15 करोड़ दे चुके हैं। अभी वाली भाई आकर हमें खाली करने के लिए बोल रहा है। अभी आपको ही कुछ करना है। वो हॉस्पिटल हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। भाई वो ओल्ड सिटी का आदमी है। सिटी अपनी हो गई तो ओल्ड क्या न्यू क्या। तुम परमिशन दोगे तो मैं चलता हूँ। अली भाई कौन है? मैं हूँ, बोल। कौन सी भाषा में समझा? कोई भी भाषा में बोल। लोगों से पैसा लेकर हफ्ता लेकर तुम और बड़ा जो काम कर रहे हैं वो समाज सेवा बिल्कुल नहीं है। जनता को परेशान मत करो, गलत है, छोड़ दे। बहुत जल्द बड़ा भी ये काम छोड़ने वाला है। बताने आया था इसलिए चुपचाप जा रहा हूँ, वरना यहाँ हालात ही कुछ और होते। ये सब रोक दे। हमारे एरिया में आके हमको धमकी देता। एरिया तेरा है या मेरा ये जरूरी नहीं, इसमें कितना दम है वो जरूरी होता है। से बात करनी है। मुझे काम है। चुपचाप मेरे साथ चलो। इसकी क्या जरूरत? चलो। सारे हिम्मत हमें दिखाता है ये? अरे यही नहीं, सारे मर्द लोग खाली मर्द को ही हिम्मत दिखाते हैं, औरत के सामने जाके तो वो ढीले हो जाते हैं। क्या है ये? ये गुंडागिरी किस लिए? जो रोज मुझसे मिले बिना रह नहीं सकता वो आज मेरा फोन क्यों काट रहा था? और ये गन क्यों लेकर घूम रहे हो? गन मुझे बहुत पसंद है। हाँ? पिताजी से बोला था लेकिन उन्होंने खरीद के नहीं। इसलिए प्यार प्यार करके मेरे पीछे पड़े थे? प्यार के लिए नहीं, शादी करने के लिए पड़ा। पागल जैसी बातें मत करो। ये सब छोड़ दो तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अंजलि, मैंने तुमसे कभी ये क्या है वो क्या है नहीं पूछा। ऐसे रहो वैसे रहो ये भी नहीं कहा। तुम जैसी हो वैसे ही प्यार किया। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मुझे भूल जाओ। भूल जाओ, वही ठीक रहेगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? अभी जो मैंने कहा है वही मेरा फैसला है। तो फिर सुन लो, आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना और मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। गो टू हेल। फोन किसको कर रहा है भाई? क्यों लेट आई, बस चिल्ला रहे हैं। जी कर रहा है उसका और तुम्हारा दोनों का गला दबा दूं। चलो। श्रुति, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कॉल्स फॉरवर्ड मत करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाय। क्या प्रार्थना कर रही थी, इतनी देर तक आंखें बंद थी? नहीं बताना चाहिए। लेकिन मैं कुछ बताऊंगा। वो क्या? मैं 3 लाख का लोन लेने वाला हूँ, सोचता हूँ शादी से पहले ले लूँ। उसमें से 1 लाख का फ्लैट ले लूंगा और दूसरे 1 लाख से फ्रिज, टीवी और एक अच्छा सा बेड ले लूंगा, क्योंकि शादी के बाद उसी पे काम होगा ना। साउंड आना अच्छा नहीं लगता है ना। शर्म नहीं आती? अरे बीवी से क्या शर्माना। और बाकी 1 लाख रुपए हनीमून के खर्चे के लिए रखूंगा, है ना? सही है ना? अगर हनीमून इंडिया में हुआ तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर फॉरेन में हुआ तो खर्चा ज्यादा हो सकता है। खर्चा बढ़ेगा तो मजा भी ज्यादा आएगा, है ना?
अरे मेरी बात मान जाओ, मजा आ जाएगा। आई लव यू अंजू मेरी डार्लिंग। ख्वाबों को सजाए तू आंखों में, मेरी बस के नींदों को चुराए तू। जो बस स्टॉप पे जिसने मारा था उसका क्या किया? उस पागल के बारे में अभी बात क्या करना भाई? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या गाली दे रहा था क्या वो? बड़ा हो या छोटा हो कुछ नहीं कर सकता। भाई आपने बिल्कुल सही सुना, बड़ा हो या छोटा हो कुछ नहीं है। तुझे कैसे पता? अरे भाई ने कहा ना, बता भाई। हाँ भाई मैंने पी के बोल दिया था। यही बात है। ऐसा हम लोगों को कहने वाले बहुत लोग हैं भाई, पहले उन लोगों को देखते हैं ना। बहुत लोगों को देखना अलग है, उसको देखना अलग है। यार भाई कुछ पूछ रहा है, बताता क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है तेरी? भाई तेरा उसका लिंक तो नहीं है? चुप्पे, कल से आकर हम लोगों को परेशान क्यों कर रहा तू? उसने मारा हमने मार खाया। चुप्पे, जब से आया तब से देख रहा हूँ, ओवर क्यों कर रहा तू? ज्यादा बोलेगा तो काट डालूंगा। ये क्या अन्याय है भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? समझा रहा हो तो मेरे ऊपर ही भड़क रहा है। देखो अगर मुझसे गुस्सा है तो मुझे मार लो, मुझे बच्चा समझ कर रुलाने की कोशिश मत करो। क्या भाई ये क्या मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं? मुझे भी पता है तुम ठीक नहीं हो। मैं यहाँ कोई घर वर बनाने नहीं आया हूँ भाई, मैं तो मदद करने आया था।
मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए कितना भड़क रहे हैं मुझ पे। रैगिंग कर रहे हैं साले ये मेरी। देखो साला, मेरा भाई भी इसके साथ मिल गया है। मैंने अपनी बहुत सारी बातें नहीं बताई आपको। क्या रे, बता दूं? ऐसे वक्त पर दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, दिल की सारी भड़ास निकालना चाहता हूं। सोचता हूं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं कहता हूं। मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं? तुम लोग इतना डिस्टर्ब क्यों हो? अरे ये क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं? डिस्टर्ब तो मैं हो रहा हूं। नया है मगर सबसे ज्यादा खबर इसके पास है। खबरें तो मेहनत करके मैं लाता हूं, ये तो दारू पी के पड़े रहते हैं, इसलिए तो मैं आया हूं। 24 तारीख को मलाड हाइपर सिटी के सामने जो दुर्घटना हुई थी, उसके काफी सुराग सामने आ रहे हैं। ये दुर्घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुई है, किसी ने जानबूझकर इस दुर्घटना को अंजाम दिया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। इस दुर्घटना के जितने भी सबूत मिले हैं, उसे कहानी स्पष्ट होती जा रही है। हमारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम जल्दी इस बात का खुलासा करेगी। ए, उस चैनल के चीफ को उठाकर लेके आओ। भाई मेरी मानो, मीडिया से उलझना गलत होगा। वो क्या तोप है क्या? मीडिया अपनी बीवी की तरह होती है, उनसे अच्छे से रहेंगे तो टाइम पर सोना खाना पीना सब मिलता रहेगा, और अगर छेड़ दिया तो सब उल्टा हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो। वैसे भी इतने बेकार चलन देखता कौन है आजकल। मैं जा रहा हूँ ना, मैं देख लूंगा उस ओनर की, तो बैंड बजा दूंगा। आप शांत रहिए, शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत। ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक न्यूज है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ओके ओके। बड़ा ये क्या हो रहा है, यह सब मीडिया को कैसे पता चल रहा है? बोलो ना, मैं सब देख लूंगा। फोन रख, फोन रख। लेकिन लीक कैसे हो गया? प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्या हुआ, मैं मर गया क्या? ओके सर। क्या आदमी है यार, हर बात पर डरता मरता रहता है। बोलो क्यों, आखिर क्यों? बोला ना मैं हूं इडियट। ए सुभाष। हाँ बोलो। नंबर देता हूँ लिख ले। क्या रे, कमिश्नर का फोन आया था क्या? बाबूलाल, ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ बैठ जा। न्यू सेंस क्या है? न्यूज से क्या होने वाला है, कुछ भी दे हमको क्या फिर? खाली चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। उस होम मिनिस्टर के डील में मैंने कहा भैरव को लेकर मत आ, माता तूने सुना? अशोक नगर में भैरव जैसा भरोसे का आदमी कोई नहीं है, तू ही तो कहता था। अब देख क्या हुआ, अब पैसे के चक्कर में वो जाकर कमिश्नर के पास बैठ गया, सारा महाभारत सुना दिया होगा। उसकी बताई हुई बातों में जरा सा भी सबूत मिल गया तो हम लोगों को काशी के ट्रेन में जाकर के वहाँ पे भीख मांगनी पड़ेगी। उस भैरव को उठा के लाओ। उठा के ले आओ भाई। अरे वो कोई गुलदस्ता नहीं है कि आराम से उठा कर लाओगे, अरे कमिश्नर के कस्टडी में है भाई। वही है। बता। कमिश्नर बड़ा, तेरे जैसे लोगों का नाम मेरे फोन में फीड रहता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, उस भैरव को पकड़ कर क्या गेम खेलना चाहते हो क्या? ए, तेरे बाजू में जो बैठा है ना MLA, ऐसे दलाल जब तक जिंदा है ना तू ऐसे ही खेलता रहेगा। ए, वो यहाँ नहीं है, क्या कर लेगा तू? ए पागल, ए जो बोल रहा हूँ सुन, साल के 364 दिन तेरे, मेरे को एक दिन काफी है तेरे को उड़ाने के लिए। उस दिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैंने IPS की पढ़ाई में कितनी मेहनत की है, पुलिस की वर्दी पहनते वक्त लिए इस आपत्ति पावर में तुझे दिखाऊंगा। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, अगर मुझे नहीं तो किसी ने किसी को तो जरूर मिल जाएगा। ए, मैं मामूली आदमी के हाथ में आने वाला मामूली आदमी नहीं हूँ बड़ा,
नो वन कैन टच बड़ा। अरे बाप रे। यही है ना जिसको तुम ढूंढ रहे थे, इसके बारे में पता चला है। बहुत कमीना आदमी है, कम से कम 500 एकड़ का कब्जा, 17 मर्डर्स किए हैं, 3 स्टेशन में ये वांटेड है। और ये भी पता चला है कि इसने कॉलेज लड़कियों का रेप किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक और चीज, विश्वासघात का भी काम करता है ये। सिर्फ फोन करके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, हमें चाहिए कि हम अच्छे से काम खत्म करें। सुबह ही एक को खत्म कर दिया, अब बियर पीकर खाना खाइए। कौन है ये लड़का, आजकल अपने गैंग में बहुत दिख रहे हैं। वो मुझे क्यों पूछते हो, भाई से पूछो ना। कौन है तेरा भाई? उधर देख, मेरा छोटा भाई है, इधर रह के बिगड़ जाता, इसलिए ऊटी पढ़ने के लिए भेज दिया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ऊटी में पढ़ाई लिखाई करके ये क्या काम कर रहा है? अरे खाते समय कितना हल्ला करता है रे, ऊटी में पढ़ लिख के यही सब सीखा है क्या? के ऊटी में खाते तो मार डालते हैं। किसी भी स्कूल में शोर करने पर मार पड़ती है, ये कौन से स्कूल से पढ़कर आया? इसका साउंड निकालने का है या बचाने का है? ए, तेरे सारे इन्फॉर्मेशन सही है। ओके, पहले तुम पूरी खबर निकाल लो। ए, अंजलि ने फोन किया था, बहुत दुखी है वो। मुझे भी उसका दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता, और मैं अब कर भी क्या सकता हूँ, उससे दूर रहूंगा तो उसके लिए अच्छा रहे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, तुम आगे का काम दे। हमारे पास जो भी फोन नंबर्स हैं उससे 23, 24, 25 को क्या बातें हुई थी उसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करनी है। वो अपने हाथ आ गए तो सारा काम आसान हो जाएगा। ए, बी केयरफुल, बड़ा बहुत डेंजर है। मैं सब कुछ डिसाइड करके ही उसके पास गया, बस अब एक चीज है, जब तक वो मेरे बारे में नहीं जानता तब तक जिंदा रहेगा, अगर जान गया तो मर जाए। नमस्कार, HMTV आपका स्वागत करता है, मैं सुनंदा। पूरे देश को दहला देने वाली बस दुर्घटना का जल्दी खुलासा होने वाला है। इस दुर्घटना के सारे विजुअल्स आपके सामने आने वाले हैं। बिल्कुल नहीं सर, मेरे पति नहीं मानेंगे, बिना सैलरी के मैं न्यूज़ नहीं पढ़ सकती। अरे ऐसे बीच में क्यों जा रही हो? सुनो, रुको रुको। अरे यार देखना यार, सब कुछ रेडी है, न्यूज़ बिना पढ़े जा रही है ये। सर मैं न्यूज़ पढूं क्या? बंद कर, न्यूज़ पढ़ना कोई आसान काम है क्या? You just fell out. Get out. यार, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन लेकर अपनी तबीयत मत बिगाड़ो यार। एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? मैं हूं ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रेडी हो ना? नमस्ते, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं HMTV। पहले हेडलाइंस, मुख्यमंत्री दिल्ली टूर सक्सेस। आतंक रोकने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी। न्यूजीलैंड को जीत करने वाली धोनी की सेना। मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिले और उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अकल नहीं है? तुमसे कितनी बार कहा यहाँ बताना, जाओ। ये कहें, अगर पाकिस्तान ने आतंक नहीं रोकी तो चप्पल पड़ेंगे। पागल, ये क्या कर रहा है? हाथ निकाल। ऐसा आक्रोश अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए दिखाया है। वेलिंगटन में हुए वनडे मैच में न्यूजीलैंड को भारत ने 10 विकेट से हराया। मैच के बाद धोनी ने बात करते हुए कहा, चलो यहाँ से। कहाँ गए वो लोग? भवानी जी को ड्रॉप करने गए हैं सर। ये तो चिपक गया है यार। हाँ। और तू क्या कर रहा था? हाँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, न्यूज कट कर। सर कट क्या करे, लाइव चल रहा था। हाँ। आज न्यूज करने पड़ा रहे। जबान जबान पर कंट्रोल रखो, यहाँ पर सब काम मैं ही करता हूँ। सर ये लोग बड़ा के आदमी कौन है? अरे बड़ा किसके लिए बड़ा है वो? आई एम क्रिएटिव जीनियस प्रभा है यार। ए, तू कौन है रे? ए, मुझसे पूछ, वो मेरा असिस्टेंट है। इतने डिटेल से क्यों पूछ रहा है, गुंडागिरी है क्या? ए, ये सब काम कर करके थक गया, तब जाकर इस क्रिएटिव फील्ड में आया हूँ, समझा? क्या सोच रहा है, हाथ निकाल। सर जरा संभाल। चुप कर। असली गोली है क्या सर? क्यों रे, मेरे बारे में बार बार न्यूज दिखाने वाला तू ही है ना? मैं नहीं सर। ऐसा क्यों बोल रहा है? वहां तो कह रहा था कि हर काम मैं ही करता हूँ। वो बीच में मत बोल, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों रे, शहर को मैं हाथ में लेके खेल रहा हूँ। सर आप कुछ भी हाथ में ले लो, मुझे क्या, आप किसी से खेलो मुझे क्या सर। सर इसे घुमाओ मत, अगर चल गया तो। हा?
अगर गलती से चल गया तो सर तेरी जान। भाई ये बहुत कुछ बोला भाई, बोलता है कौन है बड़ा, किसके लिए बड़ा। मैं ऐसे ही इमोशनल हो गया था सर। चल बता, वो न्यूज बार बार क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे कौन कौन है, तेरी टीम में कौन कौन है ये बता। टीम क्या सर, मैं ही हेड हूँ। कल सीडी देखी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर तू देखेगा तो तुझे यकीन नहीं होगा। अभिमन्यु, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे थे? कौन है आप? मैं हूँ तेरा क्रिएटिव हेड प्रभाकर। प्रभाकर वो कौन है, ऐसे क्यों देख रहा है ढक्कन? पता ए, मेरा छोटा भाई पवन फ्रॉम ओटी। ओहो, तो मैं अपराधी नहीं हूँ साबित करने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए लगता है। ए, वापस मेरे बारे में कोई न्यूज़ डाल दो भाई, इतनी बात क्या कर रहे हो? डालने वाला कौन है, डलवाने वाला कौन है? ए, इसको ले जाके अंदर डाल दो। ए, मुझे बिना बताए तूने हिलने की कोशिश की ना तो गोली डाल दूंगा तेरे। नहीं हिलूंगा, मुझे सारी पिक्चर साफ साफ दिख रही है, आपको साफ साफ दिखने तक यहाँ से नहीं हिलूंगा सर। मेरे कारण टेंशन मत लीजिए सर, आपको तो ढेर सारे प्रॉब्लम है। ए, चल। ए, तू चुप कर गधे। ए, वो नहीं सर, आप मुझे मारे या डांटे ये समझ में आता है, मेरा इमेज आप समझ नहीं रहे सर। आई एम क्रिएटिव जीनियस प्रभा हियर। जीनियस? यस। लेके जाओ इसको। क्या रे, कैसा लगा? हा? हा? अरे अभिमन्यु, पिक्चर देख रहे हो क्या भाई? तो भी एंजॉय कर, किसने मना किया है? ये शॉट इधर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, फिल्म बनाने के बारे में जानते हो? जानता हूँ, बिना काम के गांव में घूम रहा था तो आवारा बनाया। विनायक आदि को आदित्य करने वाला था, मैंने मना किया, क्या हुआ बाद में? राजमौली, राजमौली सिमाद्री को बड़ी मुश्किल से इंटरवल तक कर पाया, बाद में मैंने उसे पूरा किया। एक समय ये सब लोग मुझसे डरते थे। क्या रे, कुछ बताया क्या इसने? कुछ बोला नहीं भाई, बोलता नई फिल्म बनाऊंगा। क्यों रे, मुझे हीरो बना के फिल्म बनाएगा क्या? सही कहे तो आप ये काम नहीं कर सकते सर, निगेटिव शेड्स ज्यादा है सर। कितना भी कन्विंस करो ऑडियंस नहीं मानेगी सर। तुम्हारा भाई काम में आ सकता है सर, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है सर, अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है सर। क्या छोटे जाएगा? चुप रहो भाई, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। ये भी काम कर सकता है क्या? हीरो के लिए सैडिस्ट का, रेपिस्ट का, तबलिस्ट का। क्या हुआ बड़ा, टाइम हो गया है, ये कौन है यार? ये तो बजूका की तरह सुंदर लग रहा है। अरे तू बहुत सुंदर है ना, हमें ही सुंदरता के बारे में बात करनी चाहिए। सीडी लेकर आ गया, अब देखता हूँ कैसे ब्लैकमेल करता है हमें। Thank you.
ढक्कन, तू ऐसा करने वाला है ये मुझे पहले ही पता था, समझा? मुझे अकल सिखाएगा? बड़े के रूम में मास्टर सीटी पहले से पहुंचा दिया मैंने, स्विच दबा दिया ना, तुम्हारी पूरी पोल खुल जाएगी। इधर देख, दबा दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा काम होने तक अपना ऊपर और नीचे दबा के रखना, समझ गया ना? चल ऑफ कर, चल टीवी ऑफ कर। नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिधर जाओ किसी से भी मिलो तुम ही नजर आते हो। भूल नहीं पा रही हूँ तुम्हें, तुम्हें तो अक्ल नहीं है। तुम्हारे कारनामे बताने के लिए तुम्हारे घर पर फोन किया तो वो लोग भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तुम सब पर चीटिंग का केस करना चाहिए। जो मर चुके हैं उन पे क्या चीटिंग केस करोगी? जिनको तुम फोन करोगी वो इस दुनिया में नहीं है। उस दिन हैदराबाद से निकलने के बाद माँ पिताजी घर नहीं गए, हॉस्पिटल गए। तुमसे मिलने के बाद सुभाष ने मुझे फोन किया कि माँ पिताजी जिस बस में गए उस बस का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ पिताजी को? टाइम नहीं बचा है, जाके बात कर ले। चल। खुश रहना चाहिए बेटा। नहीं पिताजी, मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, गलत है। कोई भी किसी की जिंदगी पर साथ नहीं रहता बेटा। मेरा साथ यहीं तक था बेटा। ऐसी बातें मत करो। फिर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोचा था कुछ और दिन मैं तुम्हारे साथ खुशी से बिताऊंगा बेटा, मगर कोई हो नहीं पाया बेटा। तुमको कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट चल रहा है ना। मुझे पता है बेटा, मैं मर जाऊंगा। पिताजी। बेटा तुम संभल के रहना। बस स्टॉप के पास जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा है। वो सब अभी क्यों बता रहे हो? मुझे पता है बेटा, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं, मगर ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना? जितनी हिम्मत मुझ में थी बेटा, उतनी तुम्हारे माँ में नहीं थी। उसे यकीन था बेटा कि तुम जरूर आओगे, तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगे, इसलिए 5 मिनट पहले वादा कर बेटा। बोलो पिताजी। जितना दिन जियोगे खुशी से रहोगे। आपके बिना कैसे जियूं? मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा, जाने का समय हो गया है बेटा। प्लीज प्लीज
मुझे प्रॉमिस करो तुम, वादा कर मुझे। क्या हो गया आपको? हंस ना। नहीं। हंस। कृष्णमूर्ति, फादर ऑफ अभिमन्यु। पिताजी, पिताजी, माँ, माँ, पिताजी, बताया वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि बॉस नाम के आदमी को मारने के लिए बस को जलाया गया था। पता चला कि इसमें बड़ा का हाथ था और जो करने वाले हैं ये बहुत ऊंचे लोग हैं। होम मिनिस्टर, एमएलए, बड़ा, इन सब का सामना करना आसान काम नहीं है, इसलिए उनके पास जाकर ज्वाइन हो गया। अगर गलती से भी उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फर्स्ट टारगेट तुम्हें बनाएंगे। माँ पिताजी को तो खो दिया, अब तुम्हें खो दूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, इसलिए भले ही तुम्हें बुरा लगे तुमसे हमेशा दूर रहा। इन दो महीनों में मैंने इन सारी गैंग्स की सारी डिटेल्स ले ली है। 23, 24, 25 तारीख को जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है उन सब की सारी टेप्स मेरे पास है। हाँ बड़ा, कल वो सीएम से मिलने आ रहा है। कल सीएम से नहीं मिलना चाहिए, वो वापस गांव लौटने वाला है। अपने आदमी उस बस के ड्राइवर को फिक्स करके ट्रेवल एमडी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए लोखंडवाला पुलिस स्टेशन के सीआई को 1 या 2 पेटी देकर उसे खरीद लो। इस विषय में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे एकदम क्लियर चाहिए। रात को 8:30 बजे मिल्लत नगर से बस निकलता है। करेक्ट टाइम और प्लेस को देख कर बस को रुकवाएंगे। Thank you.
ए, तेरा बड़ा के पास जाने का पर्पस सॉल्व हो गया। इसमें कौन कौन है पता चल चुका है। अब हमें आगे के बारे में सोचना है। आगे मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम निश्चिंत होकर जी लो। जी लूंगा यार, जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार दिया उन्हें मारने के बाद मैं जी लूंगा। अपनों को खोने के बाद जो दुख होता है वो दुख उन्हें दिखाकर तब मैं जीऊंगा। अभिमन्यु मेरी बात सुनो, हमारे पास सारे सबूत है, हम पुलिस को जाकर दे देंगे। तुम्हारे हर कदम पर बहुत मुसीबतें आएंगी, वो बड़ा कोई मामूली इंसान नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो। हाँ यार, अगर तुझे कुछ हो गया तो। जनता के हिसाब के लिए राशन कार्ड के लिए जीना मुझे पसंद नहीं है। ये पुलिस कानून क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतने दिन तक जिया हूँ तो जिया हूँ सिर्फ अपने लिए। अंजलि प्लीज, मेरे माता पिता बूढ़े होकर या बीमार होकर नहीं मरे हैं, अपनी पूरी जिंदगी में मेरे लिए मेहनत की, और जब बेटे की मेहनत की खुशी लेने का समय आया तो किसी ने उन्हें मार दिया। जिन लोगों ने मेरे माँ बाप की खुशियां ली है, जब तक मैं उन्हें मार ना दूं मेरी आत्मा को शांति मिले। और अब जो होने वाला है वो एक महायुद्ध है। सुन, आज होम मिनिस्टर के रिसोर्ट में गेट टुगेदर है, वो सब वहां आने वाले हैं। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, तैयार रहना। अंजलि, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, शायद तुम इसे समझती हो। अचारी जुल्फों की साई में रख लूं, जब नंगी होठों से तुझको पिला दूं, मदहोशी छाने दे होठों को छू जरा, बाहों में भर के तू चुम्मा ले जी जरा, जब नंगी होठों से तुझको पिला दूं, मदहोशी
करके तो चुम्मा ले जी जरा। बहुत अच्छा है रे अली बाबा 40 चोर के जैसे। चलो सब, तुम्हारी बस का टाइम हो गया, चलो 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 चलो। बेटा कल तुझे चेयरमैन की पदवी मिल गई तो साल का कितना कमाओगे तुझे पता है? थैंक्स जी। थैंक्स शोर, 50 इधर कर, बाकी का बाद में कर लेंगे। हाँ चल दे दे। ए, ये इधर क्यों आ रहा है? ए, इसको अंदर रख, रख, रख। क्या बेटा इधर कैसे आना हुआ? तुमसे काम है, अंदर आ जाओ। पार्टी के लोग आए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तू अंदर जाके कॉफी पी ले। जा 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 भाई, आ जाओ। भाई ये मेरा इम्पोर्टेंट काम है बोल रहा है, आप लोग जाइए जाइए जाइए। हाँ बोलो बेटा, बहुत अर्जेंट में अंदर बुलाया, बोल। हाँ। चोरों का राजा नाम की फिल्म रिलीज हुई है। हाँ। भाई देखकर बताओगे ना कैसी है? चोरों का राजा? हाँ। हीरो कौन है? बोला ना चोरों का राजा। इम्पोर्टेंट मीटिंग से तूने उठा लिया, ये सीरियल और सिनेमा के लिए क्या यार, तू भी आदमी है। माफ कर दो, पैसे का लालच देकर एमएलए बाबूलाल ने। क्या चाहिए? मेरे माँ बाप, उनके साथ गई 80 लोगों की जान, उनके खोने के बाद खोई हुई नींद, दिन रात बहे हुए मेरे आंसू, है तेरे पास? है क्या तेरे पास? अपनी जिंदगी में चाहता है कि अपने बीवी बच्चों और पोतों को देख पाए तो बाहर चले जा। आओ, आओ। ए, बाबूलाल और उसके आदमी 5 मिनट में मरने वाले हैं, बता रहा हूँ। कौन है रे तू? तूने जिस बस में आग लगाई थी उसमें अपने माता पिता को खोने वाला एक अनाथ हूँ मैं। अभिमन्यु उर्फ पवन फ्रॉम ऊटी। सिटी अपना है तो नया क्या पुराना क्या, बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता। कहाँ पर है तू? जितनी बेताबी से तू मुझसे मिलना चाहता है उससे कई ज्यादा बेताब। मैं हूँ तुझसे मिलने के लिए। क्रिएटिविटी हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे रखकर हर हर महादेव जैसा फिल्म बनाऊंगा। मैं हीरो का काम कर सकता हूँ? नहीं कर पाएगा रे, मैं करवाऊंगा ना। तेरे पास पैसा है तो बोल, एक चैनल खोलकर उसे कहाँ से कहाँ लेकर जाऊंगा मैं भी नहीं जानता। अरे इतनी स्पीड से कहाँ जा रहा है, झटका लगा क्या? ए! इतने दिन से यहाँ पर तेरे डर से हूँ क्या? मैं अपने अभिमन्यु के कारण यहाँ हूँ रे। ए, बेकार में गोली वेस्ट मत कर, आगे तेरे काम आएगा, चल जा। ए, चल स्क्रिप्ट लिखते हैं। हेलो कमिश्नर साहब, बड़ा होम मिनिस्टर एमएलए अगले आधे घंटे मरने वाले हैं। हेलो कौन है? बड़े की जिंदगी पे जितना प्राइस मनी रखना है रख दो, मैंने 2 महीने से पगार नहीं ली, आके ले लूंगा। हेलो कौन है? हेलो कंट्रोल रूम। ए, तुम सबको मार के ऑर्डर से जाऊंगा तो इसे मारने में आधा घंटा लेट होगा, इस आधे घंटे के लिए जियोगे या मरोगे?
तेरे लिए और मेरे लिए बचे दो ही रास्ते हैं, जीना या मरना। मेरे माँ बाप जाने के बाद मेरे लिए दोनों एक ही हैं। तू बहुत किस्मत वाला है, तेरा टाइम खत्म होने के बाद भी दो दिन एक्स्ट्रा जी लिया तूने। तेरे लिए हंसना बहुत आसान है, जीना बहुत कठिन है। बड़ा, तेरे लिए एक छोटा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पिताजी कृष्णमूर्ति बहुत सॉफ्ट है। मेरी माँ को तो तू नहीं जानता, चमड़ी उधेड़ देगी तेरी, ऊपर जाके तुझे सब पता चल जाएगा। ये सब क्या है? उसे आप मारोगे तो ड्यूटी होगी, मैं मारूंगा तो जिम्मेदारी होगी। ये सीडी देखकर आप समझ जाओगे इसने और इसके आदमियों ने क्या किया है। ये सीडी में सारे सबूत है। बाकी लोग कहाँ हैं? बस का सफर करते वक्त शॉर्ट सर्किट होकर सब मर गए। फिर होम मिनिस्टर और एमएलए? बदकिस्मती से वो भी उसी बस में सफर कर रहे थे। ये मर गया है दुनिया को बताने के लिए। इसकी लाश को शहर में ले जाइए और अगर ये भी नहीं हो सकता तो इसे उसमें फेंक दो। बड़ा और उसका गैंग यहाँ पर है, हमें खबर मिली। हमने सरेंडर करने को कहा लेकिन उन्होंने फायर कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और ये लोग मारे गए। बैड लक ये है कि होम मिनिस्टर और एमएलए भी उनके साथ मिले हुए। यहाँ अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में कमिश्नर खुद बता रहे हैं। एनकाउंटर चलेगा तुझे कैसे पता? अंकल वंदना सारे चैनल से ज्यादा अपने चैनल के लिए ये सब कैप्चर करने के लिए आगे आई। ये खुशखबरी अपने एमडी जी और क्रिएटिव हेड प्रभाकर को जरूर बताना, वो बहुत ही खुश होंगे। नहीं ये मार किस लिए? ये सब मुकाबला कवर करते वक्त मैं अपने शरीर पर ध्यान देना भूल गया, इसलिए छोटी मोटी चोटें आ गई। नहीं लग रहा है। अगली बार और ताजा खबरें लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक जितनी है डालनी है डाल के रख लो। कैमरामैन परशुराम के साथ मैं आपका भी मंजू। क्या मूर्ति जी कैसे हो? गांव में सब ठीक ठाक है ना? सब कह रहे हैं कि पोता अपने दादाजी पर गया है। अरे ऐसा कह रहे हैं क्या? बिल्कुल अपने मूर्ति जी पे गया है। जल्दी आ जाओ, सेकंड प्रोडक्शन शुरू करते हैं। सेकंड प्रोडक्शन मतलब? सब जानती है, पागल है तू। आ जा तेरे को मैं बताता हूँ। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। शर्म नहीं आती? चल भाई। अरे अरे अभिमन्यु कितनी बार बोला अरे कहकर बात मत किया कर। इंसान को बस एक ही बार में समझ आना चाहिए, अगर तुझसे काम नहीं होता है तो सब बंद करके बैठ। खाली फोकट पेट दिखा कर ऐसे चिल्लाया मत कर, समझा क्या? ये तो पागल जैसा कर रहा है। बुलाए सर, बताइए सर। घर का चूल्हा कितने एपिसोड तैयार हुए हैं? 10 या 11 हो गए सर। 10 या 11? हाँ 12 सर। क्या एडिटिंग हो गया? रेडी टू टेलीकास्ट। ये बात तुम क्यों कह रहे हो? मैं कहूँगा। जाओ सारी तैयारी करके रखो, मैं आता हूँ। यार मेरी क्रिएटिविटी तो ऐसे लोगों को सिखाते सिखाते ही खत्म हो गई। अबे तुझे कितनी बार बोला है मुझसे बकवास मत क्या कर, काट पीट के छोटा कर दूंगा। चल रेडी कर दूंगा सर।